अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजीम और आप देख रहे हो मोहम्मद अजीम यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। सो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप किस तरह से फेसबुक की वीडियो को अपनी गैलरी में डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि आप किस तरह से फेसबुक की किसी भी वीडियो को समझ रहे हो ना अपनी गैलरी में डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी मेथड बताऊंगा, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली अपनी आप वीडियो को गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं। इस ट्रिक को जानने के लिए वीडियो का अंत जरूर देखिएगा। तो ज़्यादा बोर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करता हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, सीख लेते हैं किस तरह से हमें अपनी फेसबुक की किसी भी वीडियो को गैलरी में डाउनलोड करना है। सो मेथड काफ़ी ज़्यादा ईजी है, लेकिन अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखते हो तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आप मेरे सारे स्टेप को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली अपनी फेसबुक की किसी भी वीडियो को गैलरी में डाउनलोड कर सकते हो। जो पहला स्टेप है, उसके लिए आपको आ जाना है अपनी फेसबुक के ऊपर, और जिस वीडियो को आप डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके लिंक को आपको कॉपी कर लेना है। जैसे इस वीडियो की लिंक को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। पहला स्टेप हो गया, आपको इस वीडियो की लिंक को कॉपी करना है। सो फ्रेंड्स, जो वीडियो आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी है, उस वीडियो की लिंक को आपको कॉपी करने के बाद जो दूसरा स्टेप है, उसके लिए आपको आना है अपने क्रोम ब्राउज़र पर, और उस लिंक को आपको यहाँ पर क्रोम के ब्राउज़र पर आपको उसको पेस्ट करना है। जैसे आप पेस्ट करते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर करना है, और एंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको अगेन जो ऊपर URL नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से पेंसिल के जो साइन बना हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद अपने URL को आपको एडिट करना है। अपने URL के अंदर आपको एक चीज़ की चेंजिंग करनी है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो m.facebook.com, तो आपको m के बाद जस्ट यहाँ पर बेसिक लिखना है, BASIC। जैसे आप बेसिक लिखते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। और ये तो हो गया आपका दूसरा स्टेप, कि आपको यहाँ पर अपने URL को एडिट करने के बाद m के बाद बेसिक लिखना है। और जो आपका तीसरा स्टेप है, उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, प्ले कर देना है वीडियो को। और जो अब आपका नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप है, उसके लिए आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद बस इसके बाद आपकी जो वीडियो है वो आपकी गैलरी में कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट्स में डाउनलोड हो जाएगी। सो गाइस, मैंने आपको काफ़ी सिंपल और इजी मेथड बताया है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली अपनी फेसबुक की किसी भी वीडियो को अपनी गैलरी के अंदर, अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ पर कोई एप्लीकेशन नहीं बताई है, कोई वेबसाइट नहीं बताई है, कुछ स्टेप्स बताएं। सो इनको आप फॉलो कर सकते हो। और अगर आप में किसी को ऐसा लग रहा है कि जो मेथड है काफ़ी लंबा चौड़ा मेथड मैंने आपको बता दिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको साथ साथ एक्सप्लेन किया, तो इसलिए जो मेथड है थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा आपको। अगर आप करते हो तो ये आपको मेथड लेंदी नहीं लगेगा, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई हो, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नहीं हो तो मोस्ट वेलकम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इसी तरह टेक्स से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। जब तक अपने अपने चैनल वालों का आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।